मैं यूपी की बहू हूँ और जिस यूपी में हम लोग डरते थे कि गहने नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते, तो आज हम ऐसे चलते हैं। तो मैं कहती हूँ भगवान दरी जो कर सकता है ना कोई नहीं कर सकता। उनका डर ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता, किसी औरत के साथ गलत हो ही नहीं सकता उनके राज में। डर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। किसी बहू के लिए, किसी बेटी के लिए योगी जैसा डर जरूरी है। ये बाबा है, भोले बाबा जानते ना रुद्र अवतार, उनका रुद्र अवतार अभी केजरीवाल जी ना ही देखे तो अच्छा है, शांति रखे, नहीं तो कहीं ऐसा ना उनका त्रिनेत्र खुल जाए, वो भस्म हो जाए। लोग ये कहते हैं कि योगी जी फ्री नहीं देते, हमारे मुख्यमंत्री फ्री। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये बात, बिल्कुल योगी जी फ्री की आदत नहीं डालते, हम लोग को फ्री की आदत नहीं डालते योगी जी। अगर योगी जी फ्री नहीं दे रहे हैं, आप किसी भी जनता से जाके पूछ लो उनकी कोई बुराई कर दे। मैं कह रही हूँ मोमडन को ही देख लीजिए, अगर योगी जी की बुराई कर जाए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, क्योंकि फ्री का लालच वही देता है जो झूठ बोलता है। केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, सीवर का पानी पीने को मिलता है। मैं तो कह रही हूँ दिल्ली में अगर योगी जी आ गए तो ऐसे तो ना पानी भरेंगे बस। योगी योगी करेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। लोग कहते थे ना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, देखिए महिला आरक्षण भी आया, मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। अब जो केजरीवाल सोच रहे कि 2024 मोदी जी आएंगे, 2024 में 100% मोदी जी आएंगे। मैम ये बताइएगा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब तारीख आ गई है, और जो लोग कहते थे कि ये लोग भाजपा वाले सिर्फ ये कहते हैं कि राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख आ चुकी है, क्या कहेंगे? तारीख आ गई, मंदिर ही बन गया, और जिस दिन मंदिर के दिए जलेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा जैसे राम जी अयोध्या आए थे ना, तो हम लोगों के लिए भारतवासियों को ऐसी खुशी होगी जैसे राम जी दिल्ली में राज कर रहे हैं। हमारे लिए दिवाली बनेगी, तो उन लोगों को जवाब मिलेगा जो कहते थे सपना है, वो सपना सच हो गया है और आखिरकार मंदिर भी जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो गया है। केजरीवाल जो है और उनकी पार्टी के लगातार लोग ये कहते थे कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, अब मंदिर बन रहा है, क्या बड़ा जवाब? किसी भी आपदा को ना कोई हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, भगवान रोक सकता है। किसी भी आपदा को केजरीवाल क्यों नहीं रोक पाए? जब कोरोना आया तो केजरीवाल घर में बैठते खुल खास रहे थे, हमारा हर नागरिक बाहर निकला, हर जनता को देखभाल किया, उस समय कहाँ थे केजरीवाल? ना ही कोई हॉस्पिटल काम आया, कौन काम आया? भगवान। इसलिए पहले भगवान को पूजो, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन हॉस्पिटल क्या कर लेगा? मान लीजिए हमने करोड़ हॉस्पिटल बना दिए, और भी जगह भी हो सकती है किसी, तो जगह जगह हमारे मोदी जी नहीं बना रहे हैं? मोदी जी ने कहाँ उद्घाटन नहीं किया, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाई, कौन सा हॉस्पिटल? अभी एम्स में बनाया ना हॉस्पिटल, बना नहीं, एम्स की कितनी ब्रांचेस खुल गई हैं। फिर ये तो कहने वाली बात है, एक पॉइंट चाहिए केजरीवाल जी को कि ये काम नहीं हो रहा, वो उन्हें बनाना नहीं था, उन्हें दुख हो रहा है कि काम क्या हो गया। हमारी नानी ये कहती है कि हमारा राम, भगवान राम कभी ऐसे नहीं हो सकते कि किसी को मस्जिद को तोड़ के वहाँ मंदिर। भगवान राम ऐसे नहीं हो सकते, मैं भी कहूंगी भगवान राम जी ने सबको, भगवान जी तो, राम जी तो खुद ही अपने पिता की आज्ञा में वनवास चले गए। हम तो किसी को नहीं बोलते मस्जिद तोड़ो कभी, मोदी जी ने बोला, मोदी जी तो भाईचारा लेके चलते हैं, मुस्लिमों को एक लेके चलते हैं, मुस्लिम एक है, हम लोग एक है। केजरीवाल जी की ये भ्रष्ट सोच को कोई नहीं रोक सकता, ये उनकी सोच है ना कि मोदी जी की। मंदिर की जगह पे पहले बाबरी मस्जिद कब्जाई गई थी, इसी वजह से कब्जा किया गया था ना, उसका भी तो वो कब्जा किया गया है, और मथुरा में भी कब्जा किया गया है, समझ रहे हो, मथुरा भी बनेगा। मस्जिद तोड़ी नहीं, अपना कब्जा हटाया है, अपना कब्जा हटाया है, अपनी जगह ली गई है, समझ रहे हो। राम मंदिर बने, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं राम मंदिर बने, 22 जनवरी को वहाँ पे उद्घाटन भी है और अच्छी तरह से उद्घाटन भी होगा, और खुश है कि अब राम मंदिर बनने वाला है। मेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार, और राधा रानी बैठी रही हो, मंदिर भी बनने लगा है, मथुरा भी सजने लगा है, देख नजारा क्या होगा, वो केजरीवाल भी देखेंगे और कांग्रेस भी देखेंगे, सब देखते हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा भी बिल्कुल तैयारी हो गई है, और बनेगा मथुरा भी। योगी जी के यहाँ से कोई मैसेज देंगे योगी जी के लिए? योगी जी का तो मैं लाख लाख, मैं यूपी की बहू हूँ, और जिस यूपी में हम लोग डरते थे कि गहने नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते, तो आज हम ऐसे चलते हैं, तो वो मतलब मैं घूम सकते हैं, मैं रात को 4 बजे गई हूँ, रात को 4 बजे गई हूँ, जो लोग सोच सपने देखते थे, तो मैं कहती हूँ योगी जी जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात है। योगी जी को लेकर जुनून है, आप लोग को मानते कि योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई और है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जो उन्होंने किया है ना ईमानदारी के साथ, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, वो निष्काम होकर काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि योगी जी फ्री नहीं देते, हमारे मुख्यमंत्री फ्री। नहीं नहीं
नहीं गलत है ये बात, बिल्कुल गलत। योगी जी फ्री की आदत नहीं डालते हम लोग को, फ्री की आदत नहीं डालते योगी जी। फ्री वाला मुख्यमंत्री नहीं, नहीं, नहीं फ्री वाला नहीं चाहिए, योगी जैसा चाहिए। बिल्कुल योगी जैसा चाहिए। और हम यूपी के हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे घर वाले वहाँ बहुत खुश हैं। तो लगता है कि यूपी में योगी जी फ्री नहीं दे रहे हैं, कोई गलत है ऐसा कुछ? एक बात बताइए, अगर योगी जी फ्री नहीं दे रहे हैं, आप किसी भी जनता से जाके पूछ लो उनकी कोई बुराई कर दे, क्योंकि फ्री का लालच वही देता है जो झूठ बोलता है। अपने घर में ना आप देखते होंगे जो चोर करता है ना, वो कहता है छुप के रहता है, तो वही केजरीवाल जी, उन्होंने फ्री की आदत डाल के ना दिल्ली की जनता को अपाहिज कर दिया। अपाहिज पानी दे रहे हैं क्या कि आप? केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, सीवर का पानी पीने को मिलता है, किसके घर में नहीं आरओ लगा हुआ है, बोतल का पानी ना गंदा पानी है। मैं आपको दिखा दूं, फ्री बिजली, मेरा 2400 रुपए बिल आता है। हरियाणा में भी गया, राजस्थान में भी गया, लोगों से बात करता हूं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें योगी जैसा ही सीएम चाहिए, तो योगी जैसे इतना प्यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही दिल्ली में अगर योगी जी आ गए तो ऐसे तो ना पानी भरेंगे बस। दिल्ली में भी आप लोग चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात, उन्हें झूठ से नफरत है, उन्हें दगाबाजी से नफरत है, उन्हें गुंडई से नफरत है। लोगों के घरों में बुलडोजर चला देते हैं, जहाँ पे दगाबाजी है, जहाँ पे गलत होता है, वो गलत के खिलाफ उठाते हैं। तो केजरीवाल जी खुद तो कर नहीं पाते, वो क्या कहते हैं गलत को आगे कहते हैं, इसलिए वो डरते हैं योगी जी से। वो कहते हैं कि माफिया है तो बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल चलाते हैं। अभी यहाँ पे चला था उनका, वो कानपुर में चला था, कौन से वो ठाकुर थे, वो नाम नहीं आ रहा। अच्छी जगह चल रहा है, आप ही देख लीजिए, कोई भी, मैं कह रही हूँ मोमडन को ही देख लीजिए, अगर योगी जी की बुराई कर जाए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। वही चल रहा है ना बुलडोजर, गलत कर रहे लोग भाग तो चलना ही चाहिए, बहुत ज्यादा लोग बन रहे हैं, वो बुलडोजर मॉडल होना चाहिए। हाँ मॉडल होना चाहिए, होना चाहिए। दिल्ली बाबा के नाम से जानते हैं हम लोग उनको, बुलडोजर बाबा के। एक हफ्ते पहले केस आया लगातार, उसमें क्या हुआ कि बेटी, किसी बेटी का दुपट्टा खींचा गया यूपी के अंदर, तो उसका एनकाउंटर ही कर दिया जिसने इस तरीके की हरकत की। तो आपको लगता है कि इतना फास्ट अगर कोई एक्शन होगा तो लोगों के मन में खौफ बैठेगा जो? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहती हूँ, उनका डर ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता, किसी औरत के साथ गलत हो ही नहीं सकता उनके राज में। डर होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, किसी बहू के लिए, किसी बेटी के लिए योगी जैसा डर जरूरी है। आप लोग भी चाहते हैं कि योगी जी का जो खौफ है माफियाओं के मन में वो होना चाहिए? बिल्कुल, डर बैठना चाहिए, माफिया तभी अंदर मतलब रुकेंगे, नहीं तो माफिया हर जगह उनका दंगा फसाद लगा रहता था। जब मोदी योगी करेंगे कोई नहीं कर पाएगा, ना कोई कर पाएगा। केजरीवाल तो वैसे ही है शराब के घोटाले में, क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। 24 में सब कुछ है, योगी है तो सब कुछ। भविष्यवाणी करती हूँ, 24 में मोदी आएंगे और 29 में मोदी आएंगे, जिसे जो करना है कर ले। तो 7 की 7 सीट जो यहाँ लोकसभा की है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता ना, सपने देखने रहने दीजिए, सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता, किसी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। लोग कहते थे ना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, देखिए महिला आरक्षण भी आया, मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। अब जो केजरीवाल सोचे ना कि 2024 मोदी जी आएंगे, 2024 में 100% मोदी जी आएंगे। कहते थे अगर उत्तर प्रदेश में मंदिर बनेगा या फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ ना। यही योगी जी हैं, वो शांत है, सरल है, लेकिन गलत के साथ नहीं है। योगी जी तो कहते एक मच्छर तक नहीं मरेगा। मैं वही तो कह रही हूँ, ये बाबा है, भोले बाबा जानते ना रुद्र अवतार, उनका रुद्र अवतार अभी केजरीवाल जी ना ही देखे तो अच्छा है, शांति रखे, नहीं तो कहीं ऐसा ना उनका त्रिनेत्र खुल जाए, वो भस्म हो जाए, ऐसा ना हो। उद्देश्य आते हैं कई लोग, जो डिंपल यादव उनकी वाइफ जो अखिलेश यादव, वो कहती थी कि एक भगवाधारी कभी राज्य नहीं चला सकता, तो आपको लगता है कि एग्जांपल क्या है कि भगवाधारी से अच्छा कोई राज्य नहीं चला? मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, एक ब्राह्मण की बहू भी हूँ, भगवाधारी जो कर सकता है ना कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल भगवाधारी सबसे अच्छा। हाँ सही, सबसे अच्छा, और क्या योगी, लालच नहीं होता है ना, उनके बच्चे है ना बीबी है, कुछ भी नहीं है। योगी का अपना परिवार नहीं है तो देश का कैसे मानेंगे? उनका अपना परिवार नहीं तभी वो देश को अपना परिवार मानते हैं, जिनका अपना परिवार होता है वो दूसरे के परिवार सोचते ही नहीं है। मानते हैं मोदी योगी को अपने? हम तो मानते हैं मोदी को अपने, बहुत ज्यादा मानते मोदी है तो पिता से भी बढ़कर है मोदी जी, और योगी जी तो भाई से भी बड़े भाई है हमारे, उनके साथ तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ देंगे आने वाले चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी लग रहा है 24 में चुनाव में साथ देंगे आप लोग योगी जी का, मोदी जी? हम मोदी जी का पूरे तौर पर वो देंगे साथ, हर तरह से साथ देंगे। उन्होंने
भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बना दिया है और हमारा वर्ल्ड फोरम पे सबसे ऊपर नाम हो रहा है। अभी G20 समिट हुआ था, उसी में इतने देशों ने शिद्दत करी और हमारे देश का परचम लहरा रहा है। इकोनॉमिक रेट पर भी देखा जाए तो अब हम 24 वर्ष का जो टारगेट लिया है मोदी जी ने, हम तीसरे विश्व में सबसे प्रगतिशील देश बन जाएंगे। इसलिए कि विपक्ष के मिलकर के 26 गठबंधन एक साथ आए, मोदी जी अब जाने वाले। देखिए, जब सारे चोर मिलकर इकट्ठे खड़े भी हो जाएंगे तो भी मोदी जी और योगी जी का क्या बिगाड़ लेंगे। एक जब चोर इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे मोदी जी ने इतना सब कुछ करा है भारत के सम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, इसलिए हमें किसी का डर नहीं है।